अच्छा देखिए, सैटेलाइट ऑर्बिट्स अभी देखते हैं। तो देखिए, जो कुछ कुछ अर्थ, हमारी जो अर्थ है और इस अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट्स हैं उनके कुछ नाम लिखा जाता है। एक को बोलते हैं लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट उसको बोलते हैं जिस ऑर्बिट का हाइट 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में होता है, उसको बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। और इस अगर इस ऑर्बिट में कोई अगर पार्टिकल चक्कर काटेगा, जिनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, अगर कोई एस्टेरॉइड इसमें चक्कर काटेगा तो उसका जो टाइम पीरियड आता है वो लगभग आता है 86 से लेके 127 मिनट के आसपास। आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आपने सुना होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो इसी ऑर्बिट में है और उसका टाइम पीरियड लगभग कितना है, इन इस वाली रेंज का टाइम पीरियड है। ठीक। फिर एक होती है जियो, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। तो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट हम उस ऑर्बिट को बोलते हैं जिस ऑर्बिट में टाइम पीरियड, मतलब पार्टिकल को एक चक्कर लगाने का टाइम 24 आवर के बराबर होता है, उनको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और इन ऑर्बिट का जो हाइट होता है वो होता है 5.6 ऑफ आरई। आरई कौन है? अर्थ का रेडियस। मतलब जो एच की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 5.6 आरई। तो सेंटर से कर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.6 आरई। और एक होती है मियो, इन दोनों की मिडिल में होती है। किसके? लियो के और जियो के मिडिल में होती है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और बिटवीन लियो एंड जियो। इसमें जो पार्टिकल जो होते हैं वो चक्कर काटते हैं, उनका टाइम पीरियड लगभग 12 आवर के आसपास होता है। ठीक। तो एक रफ आइडिया है ऑर्बिट्स के बारे में होना चाहिए। फिर आपने एक नाम सुना होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसका मतलब क्या होता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब है कि ऐसा सैटेलाइट जो धरती से देखने पर स्टेशनरी दिखाई दे। जो धरती पर देखने पर कैसा दिखाई दे? स्टेशनरी दिखाई दे। अब जैसे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो बेटा ये अर्थ है, ये मान लीजिए अर्थ है और अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है और उसका टाइम पीरियड 24 आवर। मैं कह रहा हूं कि यहां मान लीजिए आपका घर है और आपके घर के ऊपर यहां कोई सैटेलाइट है। अब मैं कह रहा हूं जैसे जैसे आप घूमते जाएंगे वैसे वैसे सैटेलाइट घूमता जाएगा, तो आपको सैटेलाइट हमेशा किधर दिखेगा? आपके घर के ऊपर दिखेगा, क्योंकि आज सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर। और आपका भी टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर। तो आपको वो सैटेलाइट कैसा दिखेगा? स्टेशनरी दिखेगा। इसलिए उस सैटेलाइट को बोलते हैं जियो। जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड, स्टेशनरी तो आप जानते हैं सैटेलाइट, क्योंकि वो एक सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम किसको बोलते हैं? इसका जो हाइट होता है, इसकी जब हाइट हम निकालते हैं तो वो आती है सरफेस से एट 5.6 आरई और सेंटर से अगर हम हाइट निकालें अर्थ से वो कितनी आती है? 6.6 आरई। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी सैटेलाइट होंगे, चाहे वो जियो हो या नहीं हो, कोई भी सैटेलाइट हो, एनी काइंड ऑफ सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूमेगा, उसका ऑर्बिट ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसका ऑर्बिट? उसका कारण मैं बताता हूं। देखिए, अब आप सोचिए, अगर उसका ऑर्बिट ऐसे होगा सैटेलाइट का, तो सैटेलाइट मान लो सर्कुलर करेगा अर्थ के अराउंड, और जब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड सर्कुलर करेगा तो उस पर नेट फोर्स इधर आएगा। तो मुझे बताइए, इस पे जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा वो तो सेंटर की तरफ लगेगा। मैं मान लेता हूं इस ग्रेविटेशन फोर्स का एक कंपोनेंट इसको इधर ला जाएगा और ग्रेविटेशन फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो मुझे बताइए, ग्रेविटेशन फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है इसको कौन बैलेंस करेगा? इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई फोर्स ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। इसका मतलब जितनी भी ऑर्बिट पाई जाएंगी वो ऑर्बिट यहाँ सेंटर से जरूर जाएंगे। मतलब उनका जो प्लेन होगा, ऑर्बिट का प्लेन, वो सेंटर से जरूर जाएगा। मतलब इस तरह से जितनी भी ऑर्बिट पाई जाएंगी उनका जो प्लेन होगा वो अर्थ के सेंटर से जरूर पास करेगा, अदरवाइज वो ऑर्बिट पॉसिबल होगी नहीं। इन सब ऑर्बिट में क्या होगा? एम जी सेंटर की तरफ ही लगेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको ऐसा है ही नहीं कि कोई बैलेंस करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत है। यहाँ पे हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत थी, क्योंकि इस एम जी को कौन बैलेंस करेगा? एम जी का जो कंपोनेंट आया, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट तो उसको सर्कुलर के लिए एमवी स्क्वायर अपॉन आर प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ये कंपोनेंट को कौन बैलेंस करेगा? इसको कोई बैलेंस करने वाला होना चाहिए। हाँ, अगर कोई बोले सर नहीं बैलेंस किया तो क्या होगा? वो ऑर्बिट में रहेगा, नीचे गिर जाए। आप सोचिए ना, नीचे फोर्स लग रहा है तो नीचे एक एक्सेलरेशन आएगा और पार्टिकल चल के जाएगा। ठीक। तो अगर ये वाला फोर्स लगता रहा वो नीचे गिर जाएगा, मतलब वो ऑर्बिट संभव नहीं है।
तो याद रखिएगा जितने भी ऑर्बिट होंगी उन ऑर्बिट का प्लेन अर्थ के सेंटर से जरूर पास करेगा। ठीक, अब देखिए एक आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन का पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए अर्थ के प्लैनेट से, मतलब जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट है अर्थ, मान ले कोई, मान ले इस प्लैनेट के सेंटर से स्मॉल आर हाइट से, कितने हाइट से, स्मॉल आर हाइट से हमने एक पार्टिकल को फेंका। अब हमने जब उस पार्टिकल को फेंका तो उस पार्टिकल का पाथ कैसा आएगा ये डिपेंड करेगा कि आपने किस वेलोसिटी से फेंका। अगर आपने उसे v1 वेलोसिटी से फेंका तो उसका पाथ आएगा इलिप्स, अगर आपने उसको v1 वेलोसिटी से फेंका तो आपका पाथ क्या आएगा, इलिप्स। और v1 क्या है, v1 रूट gm अपॉन r से कम। अगर आपने उसे v2 वेलोसिटी से फेंका तो उसका पाथ आएगा कैसा, सर्कुलर, उसका पाथ कैसा आएगा, सर्कुलर, v2 का वैल्यू ये लिखा हुआ। अगर आपने उसको v3 वेलोसिटी से फेंका तो फिर से उसका पाथ आएगा इलिप्स, अगर आपने उसको v3 वेलोसिटी से फेंका। v3 कौन है, v3 देखो एस्केप से कम है और इससे सर्कुलर से ज्यादा है, तो सर्कुलर से ज्यादा वाली वेलोसिटी देखो। v3 कौन है, रूट gm r से ज्यादा और रूट 2 gm r से कम है, तो इसका पाथ कैसा आएगा, इलिप्स आएगा। अगर आपने इसको v4 वेलोसिटी से फेंका है तो उसका पाथ आएगा पैराबोला, ये पैराबोला है, उसका पाथ कैसा आएगा, पैराबोला। v4 कौन है आपका, ये लिखा हुआ v4, मतलब इस वाली वेलोसिटी से ये एस्केप कर जाएगा, तो ये जो एस्केप करके जाता है तो कौन से पाथ में ट्रेवल करके जाता है, पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल करके जाता है, वो वेलोसिटी कितनी है, रूट 2 gm अपॉन r। फिर आता है v5, अगर आपने वेलोसिटी v5 के बराबर दी तो इसका जो पाथ आता है वो होता है हाइपरबोला, इसका जो पाथ आता है वो पाथ कैसा आता है, हाइपरबोला। तो v5 है क्या, तो जो आपका एस्केप वेलोसिटी थी उससे ज्यादा वेलोसिटी से अगर आपने फेंका, देखो ग्रेटर देन रूट 2 gm अपॉन r, अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी से आपने फेंका है तो ये क्या कर जाएगा, इसको छोड़ के जाएगा सिस्टम को, ऐसा नहीं है इस सिस्टम को छोड़ के जाएगा, लेकिन कौन से पाथ में छोड़ के जाएगा, हाइपरबोलिक पाथ में छोड़ के जाएगा। ठीक, तो देखिए इस तरह से आपका ये ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म होता है। आप क्वेश्चन करें और पूछें, वही सब्जेक्ट को सीखने का एक तरीका होता है। यहाँ तो हम एक बस प्लेटफॉर्म आपको तैयार करके दे सकते हैं, कुछ कुछ चीजों की जानकारी दे सकते हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक, चलिए।